नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम टिकटों में जातियों का बोलबाला। कई जातियां ऐसी हैं जो अपने बलबूते पर कई टिकट ले चुकी है कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन कई जातियां ऐसी भी है जो बहुसंख्यक होने के बावजूद टिकटों से वंचित रह गई है। और वंचित जातियों के लोगों ने चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो अपना विरोध भी दर्ज कराया कि आखिरकार उनकी उपेक्षा क्यों की गई है। जिन जातियों को टिकट नहीं मिला है उनका विरोध जाया जाए, जिनको मिल गया है वहाँ भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सीटों में कटौती हुई है। तो दर्द कहीं ना कहीं सभी जगह है, सभी का अपना अपना राग है, लेकिन कई जातियाँ ऐसी जिन्हें आज तक भी किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन वो मतदाता तो है ही। आखिरकार क्या चुनाव में सब लोग कहते हैं, सब पार्टियां कहती हैं कि हम जाति पाति धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते हैं, सिर्फ जिताओ और टिकाओ के आधार पर टिकट देते हैं, लेकिन जो टिकट का आधार होता है मुख्य आधार वो कहीं ना कहीं जातीय गणित भी होता है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विक्रम सैनी जी। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। नितिन अग्रवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी से। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, टिकट बंटवारा हो चुका है, 19-19 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने टिकट बांट दिए हैं, उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब कुछ जातियां ऐसी है जिनका विरोध जारी है। उनका कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उपेक्षा की जा रही है, कहीं ना कहीं उन जातियों के साथ अन्याय इस टिकट बंटवारे में हुआ है। आपको क्या लगता है, ये विरोध जायज है या अभी लगता है कि जो 6 सीटें बची है कहीं ना कहीं उनमें समावेश भी हो सकता है, पार्टी लेवल पर इस बात पर हो सकता मंथन हो रहा हो? नीरज जी, सबका साथ सबका विकास के विचार की मूल भावना के साथ और पवित्र भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी अपनी चाहे योजनाएं बनाई हो चाहे टिकट का विषय हो, कभी भी इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में तय नहीं किया गया कि किस व्यक्ति की क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है और क्या लिंग है। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो चाहे विकास के कार्य किए हों, चाहे अब टिकट वितरण का काम हो, इन पे इन चीज़ों को कहीं भी आधार नहीं रखा गया है और ना ही इन किसी कारणों की वजह से किसी समाज या संप्रदाय को वंचित किया गया है। रही बात टिकटों की, तो टिकट वितरण कभी भी कोई भी जाति आधार पर नहीं दिया जाते हैं। हम ये जरूर मान सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलता है वो व्यक्ति किसी न किसी जाति का, संप्रदाय का होता है, किसी धर्म का हो सकता है या स्त्री या पुरुष में से कोई भी हो सकता है। इसलिए मूल परिवेश में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी जाति आधारित और ना कभी धर्म आधारित राजनीति की है और ना ही भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी इस राह पे चलने वाली है। इसलिए ये कहना तो गलत है कि टिकटों का वितरण जाति आधार पे हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को जिसको आप विरोध कह रहे हो, मैं उसे विरोध नहीं मानते हुए मान रहा हूँ कि आदमी की मूल भावनाएं या आदमी अपनी जाति के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होता है, इसलिए वो प्रमुख रूप से अपनी बातें राष्ट्रीय संगठन के सामने या प्रदेश संगठन के सामने रख रहा है और उसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है। आदमी अपनी भावनाएं रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ सशक्त रूप से खड़ा है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण निष्ठा के साथ है। इसलिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि किसी तरह का विरोध। जनता पार्टी सिर्फ जो है उम्मीदवार तय करती है, वो उम्मीदवार किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टियां कोई भी हो, उसके पीछे की जो सोच होती है कहीं ना कहीं जाति पर टिकी रहती है, क्योंकि जो वो देखते हैं किस जाति के मतदाताओं की बहुसंख्या है और उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। नितिन जी, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि ब्राह्मण समाज को एक भी नहीं टिकट नहीं दिया गया, गुर्जर समाज को 19 में से 1 टिकट नहीं दिया गया, बैरवा समाज को टिकट नहीं दिया गया और कई समाज है, यादव समाज को टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनका विरोध है। सामाजिक संगठनों ने पीसीसी मुख्यालय पहुंचकर विरोध किया है, ब्राह्मण समाज में थोड़ी देर पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दिल्ली में विरोध प्रकट किया है। तो सब जगह मतलब कहीं ना कहीं जिन जातियों को उम्मीद होती है कि हमारे पहले 2 सांसद रहे, 1 सांसद रहा, आखिरकार अब ऐसा क्या वजह हो गई कि हमारी समाज की उपेक्षा हो रही है, टिकट बंटवारे में उनकी अनदेखी की जा रही है, तो क्या पार्टियां विरोध का इंतजार करती है कि विरोध के बाद फिर सोचेंगे, विचार करेंगे, फिर टिकट बांटेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप देखेंगे जो आपका सवाल है कि जाति एक बहुत बड़ी विशेषता है क्या किसी का टिकट डिक्लेयर करने में, किसी का टिकट अगर फाइनल हो रहा है तो उसमें जाति एक बहुत अहम योगदान जाति का रहता है, जातीय समीकरण का रहता है, नहीं रहता? मैं आपको उसमें बता दूं, ये जवाब आपको मिल जाएगा। अगर जातीय समीकरण पे ही टिकट बट रहे होते तो आज जयपुर एक ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, तो आज यहाँ से हो सकता है ब्राह्मण को किसी को टिकट दिया जाता। पर कांग्रेस कभी भी जातीय समीकरण से राजनीति में विश्वास नहीं करती, कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है।
महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए हमने पूरी कोशिश ये करी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम 33% महिलाओं को हम आगे लाना चाहते हैं, उनकी योगदान सब जगह हो, उनकी भूमिका सब जगह बराबर से हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। हमने पूरी कोशिश करी है, हम धीरे धीरे उनको बढ़ा रहे हैं। जहाँ हमें मौका देने को मिल रहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे 19 नामों की जो लिस्ट आई है उसमें 3 नाम आपको महिलाओं के देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अब रही विरोध की बात, तो देखिए हर समाज, हर कार्यकर्ता, हर अंग और हर वर्ग को अपनी बात रखने का पूरा फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है, सब अपनी बात रख रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं में देखो नाराजगी और ये सब चीज़ें चलती है, किसी को टिकट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। अभी कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये तो आपको सब जगह देखने को मिलेगा। तो जाती आपको है लगता है विरोध करना अधिकार है उनका, जायज है, क्योंकि जब उनकी समाज की उनको लगता है हमारी समाज की उपेक्षा हुई है, कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, तो उनकी वो अपनी बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दबाव तो पता होगा नेताओं पर कि हाँ उनकी विचारधारा का, उनकी बात को आलाकमान तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से यहाँ पे विरोध हो रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि अभी ब्राह्मण समाज ने थोड़ी बताया। देखिए बात विरोध की नहीं है, बात यह है कि पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बात रख रहा है कि हमारा ध्यान रखा है या नहीं रखा है, क्या हमारी मांग है। और कांग्रेस समूचे कार्यकर्ता के पूरे वर्ग की, चाहे नीचे से ऊपर किसी भी पद का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस सबकी बात सुनती है। आलाकमान पे दबाव की तो देखिए मैं कोई बात नहीं समझता हूँ, पर मैं हाँ ये जरूर समझता हूँ कि कोई वर्ग यदि अपनी किसी तरह का सजेशन रख रहा है, किसी तरह की कोई शिकायत रख रहा है, अपने मन की कोई पीड़ा रख रहा है, तो जरूर उसको सुना जाता है और भविष्य में ध्यान रखा जाता है कि उन सबको साथ लेके चला जाए। विक्रम जी, तो देखो आपने देखा किस तरह नितिन जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में जातियों का ख्याल नहीं रखा जाता, जातियों की आधार पर टिकट नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं जाति मैन उसके पीछे छुपा रहता है, छुपा एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी में 19 टिकटों से एक भी जैन समाज को टिकट नहीं मिला, मुस्लिम समाज को भी, मुस्लिम समुदाय को भी एक भी टिकट नहीं मिला है, और ऐसे में दोनों ही वर्गों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को 19 में से एक एक सीट भी ऐसी नजर नहीं आ रही जहां जैन समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया जा सकता था। क्या ऐसी नाराजगी है पार्टी के बीच, या अभी पार्टी में गुंजाइश है, क्योंकि 6 सीटें बाकी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको भी लगे कि हाँ इनमें से कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, या विरोध का इंतजार कर रही थी पार्टी? नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी का जैसे मैंने अभी कहा था कि सबका साथ सबका विकास एक नारा है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 लोकसभा की सीटें 8,000 या 7,000 जाति या समुदाय में तो वितरित हो नहीं सकती हैं, और जिस भी व्यक्ति को टिकट मिल रही है उसका सिर्फ आधार जाति हो ऐसा भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने क्षेत्र में जनता की सेवा की है, जो क्षेत्र में जनता के बीच में रहा है, या जिसकी रायशुमारी या कार्यकर्ताओं की, और जो जिसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा था कि ये व्यक्ति उपयुक्त है, उसी व्यक्ति को मैदान में उतारा गया। आप 25 जातियों में अगर अलग अलग स्तर पर भी अगर टिकटें बांट देंगे तो उसके बाद भी बहुत से ऐसे समुदाय इस बात के लिए कहेंगे कि आज हमें टिकट नहीं मिली या कल उस व्यक्ति को उस चुनाव में टिकट नहीं मिली। जातीय आधार भारतीय जनता पार्टी में भी तो कभी ना आज तक तय हुआ है और ना पहले होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो इस विषय में सब जानते हैं, और अभी मेरे मित्र बता रहे थे कांग्रेसी की भी कांग्रेस के अंदर ये प्रचलन नहीं है, तो आपने अभी कुछ समय पहले 2 उदाहरण प्रमुख रूप से मैं आपको बताऊं कांग्रेस पार्टी में आपको देखने के लिए मिलेंगे कि गुजरात के चुनाव के अंदर जितने भी जाति आधार पे दल थे या उनके नेता दल थे, उनसे सभी दलों से कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया और सभी लोगों को अपनी अपनी शर्तों के आधार पर टिकट वितरण किया गया। आप अगर बिहार के पिछले MLA के चुनाव की अगर आप देखोगे तो विधानसभा के चुनाव में जिन भी प्रत्याशियों को टिकट दिया गया उनके आगे ब्रैकेट में जाति का उल्लेख किया गया था। तो आप ये तो पूरे प्रारूप में आप देख सकते हैं, और यह उनका कांग्रेस ज्यादा जातिवादी पार्टी है, और आपकी पार्टी में इस बात को कोई सब जातिवादी कहां, वो तो परिवारवादी और वंशवादी और कुलवादी पार्टी है। जातियों के नंबर भी कहां पे आते हैं, परिवारवाद की बात कौन कर रहे हैं, जिनके जिनके खुद के परिवार और वंशवाद चले आ रहे, चाहे वो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हो, और ऐसे अनेक उदाहरण है, तो ये वंशवाद की बात ना करे तो ही अच्छा है। विक्रम जी, वंशवाद की बात इन पे शोभा नहीं देती है बिल्कुल भी। और ये बात कर रहे जातिगत समीकरण, परिवारवाद, आप तो इनसे सीधा सवाल पूछ लीजिए, आज ये राजस्थान में बैठे हैं, 19 में से इन्होंने कितनी महिलाओं को आगे कर दिया, एक अकेली महिला थी इनकी, संतोष अलावा जो मौजूदा सांसद है इन्होंने उनका भी टिकट काट दिया। नीरज जी, मेरा सवाल पूछे, मैं दोनों विषय का जवाब दूंगा, गुजरात के मित्र के विषय का भी जवाब दूंगा, जवाब देना चाहिए, परिवारवाद और वंशवाद का भी बिल्कुल आपको देना चाहिए। आपको 2 चीजें देखनी होगी साहब इस मैटर में, एक होता है वंशवाद और एक परिवारवाद। किसी भी नेता का, किसी भी वरिष्ठ नेता का अगर कोई पुत्र किसी भी कार्य राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा होता है और जनता की सेवा में निरंतर वो लगा होता है, और उसके उपलक्ष्य में कोई टिकट उसे मिलता है,
जो कि उसका अधिकार भी है, उसे सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि किसी फलाने व्यक्ति का वो पुत्र है, किसी नेता या मंत्री का बेटा है तो उसे टिकट नहीं मिल सकता। इसलिए उसे तो टिकट मिलना परिवारवाद कह सकते हैं, लेकिन वंशवाद की आप श्रेणी देखिए कि किसी एक परिवार में पैदा होना, एक कुल में पैदा होने का मतलब उस पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाना, अध्यक्ष हो जाना, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी की परंपरा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की परंपरा हो, चाहे और भी आप बहुत से दलों को ऐसे देखेंगे, तो परिवारवाद और वंशवाद के रूप में तो आपको परिभाषा ही अलग है। ये कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपको बीच में नहीं रोका, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको बीच में नहीं रोका। अभी इन्होंने महिलाओं की बात की, अगर टिकट देना ही सिर्फ किसी समाज की बढ़ोतरी करना या किसी को आगे बढ़ाना होता है, सबके साथ सबका विकास किसको कहते हैं? अगर महिलाओं का सम्मान किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, जहां लाखों लाखों बालिकाएं सिर्फ स्कूल में इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां शौचालय नहीं थे और शौचालय बनाकर उनको वो दिया गया। सीट पर महिला प्रत्याशी आपके पास नहीं थी, ऐसा थोड़ी है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है तो टिकट तो महिलाओं को बनता है। जब आधी आबादी की बात आप कर रहे हो, आरक्षण की आप बात, नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी छह टिकटें बाकी पड़ी हैं और छह टिकटों में महिलाओं को अभी आप इंतजार करिए कितना प्रतिनिधित्व मिलता है, और जिनकी सरकार ने, जिनकी पिछली सरकारों ने महिलाओं का कितना सम्मान किया वो पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है, पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के मंच है नाम आप बोल रहे हो, महिलाओं शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी अगले छह नाम महिलाओं के देगी, भारतीय जनता पार्टी अगले छह नाम महिलाओं के देगी। देखो नितिन, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। नितिन देखिए, छह महिलाओं को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो योजना के तहत तो जवाब साफ नहीं ना नीरज जी। छह महिलाओं को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये विक्रम जी के हाथ में नहीं है और आपके हाथ में भी नहीं है। भले ही राजनीतिक दल इस बात का दावा करे कि वो जाति देखकर टिकट नहीं देते हैं, लेकिन अब तक देखा यही जाता है कि जिस विधानसभा या लोकसभा में जिस जाति का बोलबाला रहता है, जिस वर्ग का बोलबाला रहता है, क्रमशः उसी वर्ग या जाति से टिकट देने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां करती ताकि एक मुश्त वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। हालांकि दोनों ही पार्टियों के लोग मना इस बात को जरूर करते हैं। विक्रम जी, महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया है, 19 सीटें घोषित हो चुकी है, आपको लगता है कहीं कहीं जिस महिलाओं की पैरवी आप लोग करते रहे हैं यहाँ थोड़ी सी कहीं कहीं गलती हो गई है पार्टी से, अब 19 में से जो बाकी जो सीटें बची हुई है सीटें उनमें कहीं आपको लगता है एडजस्ट होने की उम्मीद है क्या, या महिलाओं को भी अभी छह टिकटें आनी बहुत बाकी है, इसलिए इस समय कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला नहीं और क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय आपको आज और कल तो इंतजार करना होगा कि महिलाओं को टिकट मिले। और राजस्थान के अगर परिवेश में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर महिलाओं की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में दो दो बार महिला मुख्यमंत्री दी है। अगर कांग्रेस अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती है तो मैं पुराने विषय में नहीं जाना चाहूंगा, मैं पुराने विषय में नहीं जाऊंगा। अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे के लिए अशोक जी गहलोत ने किन शब्दों का अभी प्रयोग किया था आप जानते हैं, मैं उन शब्दों में या उन तथ्यों पे दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर महिलाओं के सम्मान की बात करनी है और पीछे के इतिहास कांग्रेस के पूरे राजस्थान की जनता तो जानती है कि किस तरीके का, तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास हो उसमें। आप मानते हैं कि सिर्फ टिकटों में जो है जातिगत आधार नहीं होता कोई भी? देखिए जातिगत आधार की जो बात हो रही है विक्रम जी, आप नहीं, कोई नहीं, आप भी जातिगत आधार की जो बात हो रही है, देखिए जातिगत आधार होता है किसी का टिकट, अगर किसी का किसी प्रत्याशी का चयन हो रहा है बिल्कुल एक आधार होता है, हर पार्टी में होता है, पर वही एक आधार नहीं होता, वो एक हिस्सा होता है, वो एक अंग होता है अनेकों आधार का। बिल्कुल विक्रम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, मैं पूर्णतः खारिज करता हूँ। कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो मेरे साथी मित्र ने अभी कबूल कर ली ना कि उनका तो आधार ही जाति आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी ने में लाखों लाखों ऐसे नेता या ऐसे कार्यकर्ता जिनको जिनको जाति उनको टिकटें मिली है और वो चुनाव में सफल होकर पहुंचे हैं, तो जनता के इस बार अगर वोट डालने की बात होगी तो राजस्थान की जनता किसी जाति या धर्म या लिंग के आधार पर वोट ना करके भारत के विकास के ऊपर, भारत के स्वाभिमान के ऊपर वोट करने जा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है उसी माहौल के ऊपर या उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों पे ही वोट मिलने वाला है, ना कि जाति आधार पे कोई वोट राजस्थान में होगा। नीरज जी, आपको लगता है इस बार का चुनाव विकास के नाम पे लड़ा जाएगा? नीरज जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आगे लग जाता है कि इनसे विकास के कार्य पूछ लीजिए, 15 लाख रुपए खाते में आ गए या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल गया कि काला धन वापिस आ गया है, या महिलाओं का सशक्तिकरण पे आप आंकड़े ले लीजिए, गरीबी हट गई, आप इनसे पूछ लीजिए क्या कर दिया है इन्होंने। मुद्दे पे चुनाव नहीं है,
हवाबाजी चल रही है आसमान में दिखा के जमीन के मुद्दों से गौण नहीं कर रहे हैं। नितिन, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल में जो काम किए हैं, विकास कार्य किए, उसी के नाम पे वोट मांगने जा रही है। विकास पुरुष के नाम पे वोट मांगने जा रही है, विकास के नाम पे वोट मांगने जा रही है। और आप कह रहे हैं, आपने कहीं सुना प्रधानमंत्री जी को बोलते हो कि हाँ भाई आपके खाते में 15 लाख आ गए, अब आप मुझे वोट दे दो, हमने जो बोला वो करके दिखाया? सुना आपने कहीं पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को सुना? प्रधानमंत्री जी के तो 15 लाख के मुद्दे को पूरा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन हमने अभी देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक की गिनती शुरू करके कहते हैं कि किसानों का पूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। क्या आज तक किसानों का कर्जा माफ हुआ? कौन कौन से बैंकों का माफ हुआ? क्या बता पाएंगे? ना तो आप कर पाए, ना आपकी पार्टी पूरे राजस्थान, पूरे राजस्थान इस विषय में, ये तो अभी का विषय है नीरज जी, और पूरे राजस्थान ने इस विषय को देखा है। आप अलग अलग विषय में जाके देखिए कि अभी सरकार बनते ही यूरिया के लिए फिर से लड़ जोड़ी हो जाती है, ऋण माफी के नाम पे किसानों का सरकार क्या करेगी? हमने तो हालात सुधारे ना, अगर यूरिया की कमी पड़ रही है, आपने बंटाधार ऐसा करके रखा पूरे प्रशासन का कि यूरिया की सप्लाई पूरी गड़बड़ा रही थी। जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई विरोध हुआ हो, एक यूरिया के लिए विरोध हुआ, बीच में नहीं बोला था, यूरिया जब सरकार आपकी गिरी है तुरंत यूरिया का गिरी नहीं है, सरकार गिरी नहीं है, सरकार गिरी नहीं है भाई, सरकार जिस दिन आपकी से आपकी सरकार, की सरकार बनी जिस दिन है, क्या जिस दिन से आपकी सरकार सत्ता से बाहर हुई, आप उसके कुछ ही दिनों में आप देखिए ये सारे संकट जो है राजस्थान पे गड़बड़ सारे उस राजस्थान पे आए, तो उसको सुलझाया गया है। नई सरकार ने पूर्ण कोशिश करी है, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, हर चीज पे सफल रही है सरकार, और जो प्रक्रिया में है वो प्रक्रिया में है और वो जल्दी सुलझेगा। आप तो देखो, आप तो गड़बड़ा के गए थे ना सर। नितिन जो नितिन जी विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं लगता है नुकसान तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को आप लोगों ने भरोसे आश्वासन दिए होंगे उन लोगों के विरोध का देखिए विरोध कहीं नहीं है, सब अपनी बात रख रहे हैं, सबको बात रखने का पूरा हक है। यदि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता विरोध को जारी रखता है तो देखिए डैमेज कंट्रोल हमारा एक प्रोसेस है, हम उनको बिल्कुल मनाएंगे, सब हमारे ही अंग है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, सब हम साथ मिलकर चुनाव में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव जीत के सरकार बनाएंगे। विक्रम जी, बहुत बड़े बड़े समुदाय जो दूर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी एक टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को, अभी जैसे मैंने कहा कि जैन समुदाय को टिकट नहीं मिला अभी 19 में से, मुस्लिम समुदाय को भी टिकट नहीं मिला है, लेकिन ये बड़ा इनका बड़ा जो संख्या जनसंख्या जो है बड़ी तादाद में है, बहुत मादा रखते हैं, कई सीटों पर चुनाव की जीत हार का निर्णय करते हैं, तो क्या लगता है इनकी भावनाओं को, जैसे यहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी है, तो इनकी भावनाओं को पार्टी की जो उच्च स्तरीय नेता है, कोर कमेटी है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास आप लोग करते हैं, या फिर जो यहाँ विरोध दर्ज होता है वो यहीं तक दबकर रह जाता है? देखिए नीरज जी, जिन भी समुदाय को या जिन भी समाज को जो प्रतिनिधित्व की मांग है और जिनकी पूरी नहीं हो पाई है, वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी मांग रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र, और शीर्ष नेतृत्व गंभीरतापूर्वक उन पर विचार करेगा। लेकिन हम एक चीज को समझना होगा कि राजस्थान की महान जनता इस बार किस विषय पर वोट करने जा रही है। क्या राजस्थान की जनता सिर्फ जाति के आधार पर वोट करेगी? अगर जाति के आधार पर वोट करती है तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे कि 10-15-20% या 30% से अधिक कोई जातियों का कोई समूह नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता को अगर देखें तो राजस्थान की जनता हिंदुस्तान के स्वाभिमान पे वोट करेगी, राजस्थान की जनता हिंदुस्तान के विकास पे स्वाभिमान पे वोट करेगी, और हिंदुस्तान की जनता राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जातियों का कोई आधार है, और भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कैडर हो, या मुझे पूर्ण विश्वास है राजस्थान की संपूर्ण 7.25 करोड़ जनता हो, ये सभी हिंदुस्तान के विकास के लिए और राजस्थान के नव निर्माण के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पास साथ है, और इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति या कहीं भी कोई चिंता का या चिंतन का विषय बाकी नहीं है। भारत के नव निर्माण के लिए वोट करने जा रहे हैं नितिन, राजस्थान के नव निर्माण के लिए वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल लगता है कि जो है विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में होगी, ना जाति मुद्दा होगा, ना धर्म मुद्दा होगा, ना कोई और मुद्दा होगा, सिर्फ विकास। क्या लगता है 5 साल में बहुत विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में, आपको लगता है? देखिए अगर विकास किया होता तो आज पाकिस्तान और DRDO पे अपना श्रेय लेके इनको वोट मांगने की और राजनीतिकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल देश की जनता, राज्य की जनता राष्ट्रहित, राष्ट्र निर्माण, नव निर्माण के लिए वोट करेगी, पर पार्टी अलग होगी, चेहरा अलग होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए जिनको मौका दिया था पिछले 5 साल पहले अच्छे दिन के झांसे में आकर देश की जनता ने, वो आज अपने आप को ठगा महसूस करती है। जिन वादों के लिए देश ने नई सरकार को चुना, नई सत्ता को चुना, नए लोगों को मौका दिया और पूर्ण बहुमत से दिया, एक तरफा दिया, आज क्या हुआ? आज पूरे देश की जनता, आप ही देखिए हर चीज़ का माहौल बिगड़ा हुआ है। हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हर तरह के अनेकों विषय है,
आप पेट्रोल चलो माना आप सस्ता हो गया, कितने टाइम दुनिया परेशान हुई, हर चीज की महंगाई बढ़ती आप लगता गई। मोदी सरकार ने विकास नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बातें तो की है। विक्रम जी साथ ही आपके कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, नीरज सिर्फ जी पूरे बातें किए हैं, पूरे जुमले किए हिंदुस्तान हैं। ने आज जो हिंदुस्तान का जो परचम लहरा रहा है, और आपने अभी भी देखा, चाहिए मेरे मित्र ने भी डीआरडीओ का जिक्र किया, तो मैं इनको बताऊं कि डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा था कि 2012 में हमने इस बात के लिए मांग की थी कि हम ये प्रयोग पहले भी कर सकते थे, लेकिन सरकार को इसका करा 2012 में, आप इसलिए पूछ लीजिए व्यवस्था नहीं की और ना ही ए सेट 2012 आपको पता है 2012 में ए सेट कौन सी सरकार के अंतर्गत लॉन्च हुआ। पाकिस्तान अगर प्रेम की बात करें तो हमारा पाकिस्तान प्रेमी जो बिरयानी खाने जाते हैं उनका प्रेम होती है, आज जो आज बिरयानी इनके पास खाने ना जाते तो हैं, कोई चेहरा है और ना इनके जो बिरयानी खाने है। जाते हैं और नवाज शरीफ की मां के पैर छूने जाते हैं, लेके जाऊं उनका पाकिस्तान प्रेम है। कर्नाटक के चुनाव में आप ये देखिए, अभी हमारे पुलवामा में जवान शहीद हुए और प्रधानमंत्री लव लेटर लिख रहे हैं, तैयार हूँ, लेकिन पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, देश में हाहाकार का माहौल है और हमारे प्रधानमंत्री लव लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान डे पे, इमरान खान को लव लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान डे पे। सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको कोई क्यों नहीं उठाता। नीरज जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप उठाओ इस बात को कि पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश में जवान शहीद हुए, हाहाकार का माहौल है और पाकिस्तान डे पे हमारे प्रधानमंत्री उनको पाकिस्तान डे पे लव लेटर लिख रहे हैं। नितिन देखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो देश के प्रमुख होते हैं उनके अगर स्थापना दिवस आते हैं, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको इस तरह की शुभकामनाएं देनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने उनको शुभकामना संदेश भेजा। बिरयानी खाना भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल था क्या? देखिए भारतीय जनता, जब जब भारत भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है तब भी पाकिस्तान की ओर से उनको भी शुभकामनाएं संदेश आते रहे हैं, लेकिन जो विषय आप उठा रहे हैं पुलवामा हमले के बाद की जो घटना हुई है या उसके बाद के जो हालात है, उसके बाद में जो स्थितियां अलग है, लेकिन इस तरह खड़ा है सरकार के लेकिन साथ। इस तरह के हालात में आप ये नहीं कह सकते कि सारे रिश्ते तांते खत्म कर दिए जाए और सिर्फ और सिर्फ हल्ला बोल दिया जाए, क्योंकि हल्ला और युद्ध बोलना हमारी बातों में बहुत अच्छा लगता तो है। फिर ये कैसे पाकिस्तान जिनके, प्रेम की बात जिनके कर रहे हैं सपूत जी? शहीद होते हैं ना नितिन जी, उनसे पूछिएगा, और हम ऐसा तो इतना आसान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को, क्योंकि बहुत सोच समझकर सरकारों को निर्णय लेना पड़ता है। आपकी और मेरी बहस के बाद ये युद्ध नहीं होते हैं, और जो आपने कहा कि लव लेटर लिखे जाते हैं, लव लेटर ये एक नियमित प्रक्रिया के तहत होता है सारा काम, वो सरकार के मुखौटे जरूर बोला देते हैं, कभी मोदी जी होंगे कभी दूसरे होंगे, ये विषय अलग हो सकता है, लेकिन वो जो नियमित चिट्ठियां जाती है वो जाएगी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बताइए कि आप जो पार्टी में विरोध हो रहा है उसको कैसे थामेंगे पार्टी, सबसे विषय ये है फिलहाल। तो मोदी जी की चिट्ठी की इंतजार उस विषय पे भी जवाब दे देता हूँ और आपकी बात को भी एक छोटी सी जवाब में खत्म कर देता हूँ। देखिए कांग्रेस कार्यकाल यूपी कार्यकाल में कुछ हुए तो वो लव लेटर हो जाता है, और जब बीजेपी और मोदी साहब के कार्यकाल में हुए तो एक ऑफिशियल और प्रोटोकॉल मैंने यही कहा है, तो सरकारों के चेहरे बदलते हैं, सरकारों ये के जो चेहरे चेहरे बदलने मैंने वाली पार्टी सरकारों है, ये के चेहरे बदलते हैं, लेकिन और जो आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नियम कायदे बने जिनका रंग बार बार बदलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम कायदे बने होते हैं उसके तहत ये चिट्ठियां नियमित रूप से सहमत हूँ आपकी बात से, आती है विषय अलग है, लेकिन मुझे आप ये बता, क्योंकि समय बिल्कुल अब नहीं बचा है। आपका विक्रम जी चेहरा हो जाती है, कभी अखिलेश ने कर दिया घोषणा, किसने कर दिया, राहुल ने कर दिया, अरे आपको तो कोई मान ही नहीं। हम आपकी तरह चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते, हम लोकतंत्र की जो चुनाव की प्रणाली है हम उस पर चुनाव लड़ते हैं कि सांसद चुने प्रधानमंत्री। मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है, आपको लगता है टिकटों में जातीय आधार नहीं देखा जाता क्या नितिन जी? देखिए कोई जातिगत आधार हम लोग पूरी तरीके से नहीं देखते हैं, सर्वे होता है, सीईसी हमारी जो इलेक्शन कमेटी की बैठक है शीर्ष नेतृत्व है, और जिसका जो रिपोर्ट होता है कौन किस हिसाब से चुनाव जीत पाएगा, और चयन हर तरह की प्रणाली से चयन के दौर से गुजरना होता है एक प्रत्याशी को। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी में भी नीरज जी, आज ही आपने एक ब्लॉग देखा होगा कि अविनाश राय पांडे जी ने कहा है कि 25 टिकटों पे हमने मंथन कर लिया है और उसके बाद राहुल गांधी जी के पास भेज रहे हैं, राहुल गांधी जी को जो उपयुक्त लगेगा उसका चयन कर लिया जाएगा। गलत यानी कि अविनाश राय पांडे जी आपके इंचार्ज है, अविनाश पांडे जी है, अविनाश पांडे जी तो बोल रहा हूँ, अविनाश पांडे जी, पांडे जी बोला उन्होंने, अविनाश पांडे जी आपके जो प्रभारी है, जब पूरा इनका नेतृत्व कर चुका, जिनका मुख्यमंत्री का वोटिंग राजस्थान की जनता करती है और जिनका मुख्यमंत्री तय
दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी करते हैं, जिनकी टिकटों का पूरा चयन यहां कर लेते हैं और फिर वहां पे उनको पसंद होगा ना पसंद होगा इसके आधार पे तय हो रहा है। तो ये पूरे राजस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय करेगा ना, इन्वॉल्वमेंट तो सीसी की जो सीसीटी में वो करेगी, आपकी तरह राज्य और केंद्र नेतृत्व में खींचतान तो नहीं है ना। विकास और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही राजस्थान के चुनाव में जारी है। विक्रम जी और नितिन अग्रवाल जिनका साफ कहना है कि हमारी पार्टियों में जातियां नहीं देखी जाती टिकट बंटवारे से पहले, हालांकि एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी में सारा निर्णय जो है कहीं ना कहीं या तो राहुल गांधी के करते हैं या ये कह रहे हैं कि इनके पार्टी आला कमान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सी सी की मीटिंगें होती है, कोर कमेटियाँ जो बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं इन विषयों का, क्योंकि जो पहले भी थोड़ी देर पहले नितिन जी ने कहा कि जाति आधार भी एक विषय होता है, विक्रम जी भले इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे लेकिन हमने देखा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आधार जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सभी जातियों को टिकट दे सके, क्योंकि टिकट सिर्फ 25 है, सभी समुदायों को भी टिकट देना संभव नहीं है क्योंकि वो भी टिकट 25 है। तो कहीं ना कहीं जीत का आधार राजनीतिक दलों के लिए बड़े मायने रखता है और इसी आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। आप दोनों मुद्दा अगर मैं पता है, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। तो ये थे विक्रम जी और नितिन जी जिन्होंने कहा कि हमारी पार्टियों में जाति का कोई लेना देना नहीं है, टिकट बंटवारा सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी जो स्क्रीनिंग कमेटी से रिपोर्ट आती है उसके आधार पर करती है, लेकिन हकीकत में कहीं न कहीं टिकटों के बंटवारे में जाति भी प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि कोई भी पार्टी हारने वाले को या कम जिनकी संख्या है उनको कभी भी टिकट नहीं देती, क्योंकि वो चाहती है कि उनके उम्मीदवार की गणना जब हो तो लाख दो लाख से शुरू होनी चाहिए, उसके बाद फिर वो देखती है कि दूसरे समुदायों का कहीं न कहीं साथ मिलेगा। मुद्दाक्रम में आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।